हे फूडीज, वेलकम टू पूजास फूड वर्ल्ड चैनल। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए आलू की सब्जी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और आसान तरीके से बन जाती है। इसमें बहुत ही कम सामान यूज़ होता है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। मैंने कढ़ाई ले ली है, इसको गरम करके रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा थोड़ा जीरा डाल के चेक करेंगे गरम हो गया है कि नहीं। जीरा डाल दिया है, तेल गरम हो गया था, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। अब मैंने 3-4 टमाटर ले लिए थे, उसमें हरी मिर्च डालकर उसका पेस्ट बना दिया था, वो डाल दिया है। इसको चलाएंगे, पकाएंगे थोड़ी देर। मैंने सेंधा नमक डाल दिया है, स्वादानुसार डाल लेंगे आप। इसको चलाएंगे, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर आधा चम्मच, इसको चलाएंगे थोड़ी देर। काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, इसको चला लेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे हम इसे। ग्रेवी बन चुकी है, चलाते रहेंगे बीच बीच में, नहीं तो जल जाएगा। अब मैंने आलू लिए थे 4-5, उसको मैश करके इसमें डाल दिया है, इसको चला लेंगे अच्छे से। इसमें पानी डाल लेंगे, इसको भी चलाएंगे थोड़ी देर। थोड़ा पानी और ऐड किया है, धनिया पाउडर, धनिया हरा कटा धनिया डालेंगे। ये देखिए बन गई है सब्जी, पका लिया था सब्जी को मैंने, सब्जी बिल्कुल व्रत वाली रेडी हो गई है, बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी। इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है सब्जी का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।